उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक 15 साल के बच्चे द्वारा एंड्रॉइड मोबाइल दिलाने की जिद के पीछे फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। फांसी लगाने वाला 15 साल का बेटा अपने पिता से पिछले एक साल से एंड्रॉइड मोबाइल दिलाने की जिद कर रहा था, लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहा पिता ने अपने इकलौते बेटे को मोबाइल दिलाने की जिद पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद उसी गुस्से में बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हमारे बेटा ने, उसका नाम छठे में पढ़ रहा था, उसने मोबाइल की मांग करी 15,000 रुपये की। मेरे पास गुंजाइश नहीं थी, हमने कई काम करने जा रहे हैं, आप मिल जाएगा, पैसा मिलेगा, भोल आल लेके आ जाएंगे। हम आए नहीं, चले उनने हथियार प्राप्त होते हैं आपका जी फांसी लगा। क्या बजट तो बता रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके के सिब्बापुरवा गांव में मातम में डूबा यह घर चंद्रशेखर का है, जिसके 15 साल के बेटे राजीव ने एंड्रॉइड मोबाइल लेने की जिद के पीछे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल राजमिस्त्री का काम करने वाले चंद्रशेखर और उनकी पत्नी सुदामा का इकलौते बेटा राजीव, जो बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ रहा था, वह पिछले एक साल से अपने पिता से एंड्रॉइड मोबाइल दिलाने की जिद कर रहा था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते पति पत्नी दोनों अपने इकलौते बेटे की एंड्रॉइड मोबाइल दिलाने की चाहत पूरी नहीं कर पा रहे थे। बेटा जिद पर अड़ा हुआ था, बस इसी जिद चलते 15 साल के राजीव ने कल अपने घर के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस फिलहाल राजीव की मौत के पीछे मोबाइल की जिद समेत सभी कारणों की पड़ताल करने में जुटी हुई है। सिब्बापुरवा जो कोतवाली सिटी का एक गांव है, वहाँ पे राजीव नाम के एक 15 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या की है, और पुलिस ने मौके पर पहुँच के शव कब्जे में ले लिया और उसको पीएम के लिए भेजा गया। घर वालों से बातचीत की जा रही है और सुसाइड के जो पॉसिबल ओरिजिन्स हैं उनका पता लगाया जाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी चर्चा है कि मोबाइल मांग रहा था और उनके परिजन इनकार कर रहे थे उस बात। इसके विषय में अभी तक उनके घर वालों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, उन्होंने अभी सिर्फ एक फौरी सूचना लिख करके दी है। अगर इसके विषय में उनके द्वारा कोई जानकारी दी जाती है तो आपको। इधर ना देखो, उधर देखो। उधर देखो।